बहुत सारे लक्षण का साधु का बताया, लेकिन संतों का एक विशेष लक्षण अच्छे अच्छे से सुना। अगर प्रभु की भक्ति करना चाहते हो अच्छे से सुना, संतों की विशेष लक्षण क्या है? बोले भाई अनन्य भावेना भक्ति गुरुवंती के बिना अच्छे से गुरु को सुना। बोलो आज कितनी सी बात लेकर दिया रहा है, अच्छे बात मत करो वहां पर। इसको बोला बहु निष्ठ भक्ति नहीं होता है, भक्ति होनी चाहिए एक निष्ठा। एक समझ लो, कौन हनुमान का नाम सुने जानते हो? आप बताओ तो किसकी भक्ति करते थे, किसको भजन करते थे? प्रभु राम को भक्ति करते थे, है ना? आप बताओ मीरा किसकी भक्ति करती थी? इतना बेहतर दिन खड़े होता था दूसरा नाम को। लेकिन जब फिर मंगलवार आएगा ना, देखना संकल्प के तरफ पे देखते हैं, पता मंगलवार किसके मंदिर क्या होते हनुमान जी। जो बात हम शंकर जी को बोल रहे थे वही बात देखना फिर हम हनुमान जी को बोले। शंकर शंकर जी सोचे भैया ये तो कल मेरे पास ना आया था, ये तो बोल रहा था तब हनुमान धन तेरे चरण में, आज तो ये मेरे तरफ में झांका भी नहीं, ये किसका हनुमान जी को पास में जाकर के यही बात कह रहा है। आप बताओ शंकर क्या मूर्ख है? वो मूर्ख है ना, नहीं समझते हनुमान के तरफ में नहीं देखे, कहां जाते सीधा गणेश जी मंदिर है। जब बृहस्पति बार होगा फिर कहां जाओगे? लक्ष्मी को पास। हम अलग 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 देवा देवियों को अलग अलग पूजा करते हैं और कहते जो भी सब कुछ नहीं भक्ति। देखो हनुमान जी केवल राम की भक्ति करते थे, सूरदास जी केवल कृष्ण भक्ति करते थे, मीरा जी केवल गिरधर गोपाल बोलो दूसरा नाम बोलो और एक बोल की ना। इसलिए भक्ति है ना एक अनिष्ट होनी चाहिए, बहुत निष्ठ होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए। जो एकनिष्ठ होकर के एक को भक्ति करते हैं उसको तो सबकी साधना हो जाती है, लेकिन जो सब साधे सबको पूजा करने के लिए जाए कभी सब जाए फिर तो उसको सब के सब जाता है। इसलिए एकनिष्ठ होकर भक्ति करो, इसको करनी चाहिए। जैसे तुम लोग गुजर हो तुम्हारे देवता कौन सबको सम्मान दो। जैसे तुम्हारी बहनें जय कहें देवर कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। इसे भगवान की भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए। फिर भगवान कहते ब्रह्मा जब मातृगर्भ में बच्चे को 7 महीना हो जाता है, कितना महीना हो जाता है? अरे जोर से बोलो, पीछे पीछे यही से बाल कटती है, मतलब कान में ये पहला बेल बजे
भैया ऊपर जाने का दालों तो का मतलब क्या ऊपर जाने का समय हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं अगर एक दाल पर जाए ना उसको उठा देते हैं, इतना जल्दी पूरा भी बना ले मगर कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब दूसरे दाल पर जाए उसको भी उठा देते हैं, जब तीसरा दाल पर जाए तो उठा देते हैं, लेकिन जब तीसरी बन जाए आधा सफेद और आधा काली हो जाए फिर उसका मेहनत लगा देते हैं, कलर कर देते हैं। कलर कर देते हैं नहीं कौन कौन कलर किया आग नहीं देते, मुंह में आग नहीं देते, इसलिए हमारे
चेतना जगत में मुंह में आग नहीं देते हैं, चेतना में आग देती भगवान नाम कहते हैं। इसलिए भैया भगवान से हमने वायदा करके आए हैं, हे प्रभु अगर आप हमें ये मानव शरीर दोगे हम क्या करेंगे, जिंदगी भर तेरे माला जपकर क्या करेंगे, अरे बोलो जोर से, माला जप करके हरि नाम करेंगे हैं। इसलिए क्या करना, समय को नष्ट नहीं करनी, समय के लिए तो बहु बेटियों की बात नहीं करनी, बात नहीं करते हुए हरि का नाम जप कर, हरि की नाम को जप करो, क्योंकि जो मानव शरीर दिया है भगवान नाम अयोध्या वासियों को कहते हैं, क्या कहते हैं बोले बड़े भाग्यवान दशरथ बाबा और दुर्लभ अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये मानव शरीर नहीं, ये देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोले हे प्रभु हमें मानव शरीर दो, कहां पर, अमेरिका में, ना लंदन में, नहीं भारत में, कहां पर, भारत में, बोले कहां पर, बोले भारत में लोहा ही दाम है, फिर कौन सा दर्शन में दूसरे में से, हाँ, इसे कहते हैं गुजरिया और गुजरिया, ये गुजरी और गोपियां हैं, ये गुजरी दादा रानी गुजरी से गोपियां हैं, तुम लोग भैया दुनिया में जो गुजरी घर में जन्म लिए हो, हाँ घर घर में लड्डू गोपाल की पूजा है, घर घर में ठाकुर का सेवा है, बड़े भाग्य से जीवन मिला, इसलिए समय को नष्ट नहीं करते हुए भगवान कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, ये 1400 लंबे जीवन को बाद में तुम्हें ये कोहिनूर हीरे मिले, ये मानव शरीर ने कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए, भैया ये जीवन को नष्ट नहीं करो, 1400 लंबे जीवन में एक ही जीवा मिला, जिस जीवा से हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं, ये मानव के सिवाय और किसी को बोलो हरि का नाम ले कोई ले सकता है, नहीं ले सकता है, इसलिए भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मतलब क्या है, ये 1400 जन्मों के बाद में मानव शरीर नहीं तुमको मुक्ति की दरवाजा मिला है, क्या मिला है, भगवान के अगर किसी जीवन में हरि नाम नहीं लोगे, भजन नहीं करोगे, भगवान नाम ले रहे हैं है तो तुमको वही 1400 जीवन में कुत्ते सिंदूर होकर के पेड़ पौधा मिल जाए, ये मानव शरीर नहीं मिला, इसलिए भगवान के बोले हरे कृष्ण हरे पाठक होकर बैठो, एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, मैं अगला कर बदलो कर राम राम हरे हरे, एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, बोले भजन कितने साल से करनी चाहिए, ध्यान मन लगा रहेगी, बोले भजन कितने उम्र से करनी चाहिए, ये प्रभात महाराज इसका ये ना कहते तो माइक वाला इको था मतलब तो देखा पूरा मत कर दे, देखो तो कितने साल उम्र से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, ये प्रभात महाराज ये बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों 5 साल उम्र से भक्ति करनी चाहिए, कितने साल उम्र से, जोर से बोलो, तो बच्चों ने बोले भैया 5 साल से क्यों करें, लेकिन दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, भक्ति तभी करेंगे लेखा राशि को शादी सुधा करो, बच्चों को शादी करा दो, जो डोरा डोर हो जाएंगे ना बुरा भी हो जाएंगे, जब कोई काम धाम नहीं रहेगा तब ये माला लेकर के एक दो माला खरीदे, हम लोग यही बोलते हैं ना, लेकिन देखो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं बच्चों बोले कौमार आचर्य काट्यम धर्मान भागवत निगम मनुष्य जन्म कदापि अधोगम अर्थ, क्या कहते हैं भगवान की भक्ति
पांच साल उम्र से करनी चाहिए। तो बच्चों ने बोल दिया पांच साल से क्यों करें, ध्यान करके सुनो, अच्छा करके सुनो, आप वो मिट्टी से जो बनाना चाहते हो घर जाए, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है फिर उसमें कुछ बनता है। अब बोलो मिट्टी जब पक जाएगी तो बनेगी नहीं बनेगी। इन्हें मैं देखता हूँ ना माता घर छोड़ कर गया कथा सुनने के लिए, लेकिन तब भी आप चेहरे नहीं, तब भी लड़की के लिए बहु बेटियों की बात क्यों जीते के घर, देखो जीते के घर जो करोगे वही तो करोगे ना जीते के, शरीर में जीते के घर जो भरा होगा वही तो निकलेगा। जीते के घर तो प्रभु का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, तो फिर अंतिम समय में भक्ति कैसे करोगे, प्रभाव कहते हैं। दूसरा उदाहरण दिया बांस जब कच्चा होना जिधर चाहे उधर टेढ़ा कर सकते हो, लेकिन बांस जब पक जाती है वो टेढ़ा होगा, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। तीसरा उदाहरण दिया जैसे छोटा पौधा एक जगह से उठा करके आप दूसरे जगह लगाओ टेढ़ा जम जाएगी, लेकिन उसका जड़ जब ज्यादा नीचे चली जाती है फिर लेकर कहीं लगा लगेगी लगेगी नहीं। जैसे कोरे कागज है, प्रहलाद कह रहे हैं जैसे कोरे कागज है, कोरे कागज ऊपर में जो लिखोगे स्पष्ट दिखेगा, लेकिन एक बार लिखने का बाद उसको ऊपर में दो बार लिखने के लिए वो दिखेगा नहीं, क्योंकि अलग लिख चुकी है। जैसे फूल है, चेहरे के लिए फूल है, ये खिला हुआ फूल ला करके हम ठाकुर के चरण में देते हैं, लेकिन जब कोई फूल मुरझा जाएगी जो फूल सूख जाएगी फिर वो ठाकुर के चरण में लगती है नहीं लगती है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं देखो बच्चों भक्ति बुढ़ापा में नहीं होता है, मना कर दिया। देखो प्रहलाद कितने साल से करने की पांच साल उम्र में, अभी ध्रुव जी की कथा सुन रहे थे कितने साल में भजन किया है पांच साल में, मीरा ने कितने साल में भजन की पांच साल में, हनुमान जी कितने उम्र से भजन की पांच साल में, सूरदास जी तुलसीदास जी जीवन में देखो ये बचपन से ही भक्ति करना शुरू कर दिया, कितना उम्र से बचपन से, लेकिन बुढ़ापा में क्यों नहीं होगा आप स्वयं देख लेना। सब जब 10 मिनट ठाकुर को सामने बैठ के भजन करें, केवल 10 मिनट निकालो, आप आंख बंद करो, अब तब क्या दिखेगा दुनिया, आंख बंद करके क्या दिखेगा, लड़का लड़की नाती पोती दुनियादारी दिखेगा, लेकिन ठाकुर ही नहीं देखेंगे, क्या नहीं दिखेगा ठाकुर ही नहीं दिखेंगे। कारण क्या है, हम जिंदगी के बाद जो कुछ करेंगे वही निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए कहते जो भगवान की भक्ति पांच साल उम्र से शुरू कर लेनी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्णा और देवता दैत्य ने लड़ाई शुरू हो गया।
देवता लोग बोले हमें भी देवताओं को मिला दो, व्यक्तियों को बोले जो गाढ़ा गाढ़ा लग जाए ना व्यक्ति ही गाढ़ी गाढ़ी में तुम लोगों को मिला दो। इतने अमृत बैठक करते करते जब देवता लोग भगवान अमृत पान करा रहे थे, एक राक्षस था जिसकी खून से रक्त से और हड्डी मांस से ये प्याज लहसुन सबके सब बना है, इसलिए जो तीन चीज ये ठाकुर को सेवाने नहीं रहती है। जब उन्होंने खैर को गला काट दिया, इतने में भगवान मोहिनी सारे देवता को अमृत पिला करके वहीं से वो अंदर ध्यान हो गए। जब अंदर ध्यान हो गए इतने में देवता दैत्य में युद्ध होना शुरू हो गए, लेकिन देवता लोग तो अमृत पी चुके अमर हो गए थे। इन लोगों ने जितने दैत्य को जैसे केले का पेड़ काटते हैं ना, एक तरह से काटना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा लगता ही राक्षस असुर कुल नाश हो जाएगा, इतने में ब्रह्मा जी आकर के युद्ध को उन्होंने बंद करवाए। लेकिन दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य, फिर शुक्राचार्य आए संजीवनी मंत्र पर साथ चले भूल जाएगा। इतने में बलि महाराज जो दैत्यों का राजा बलि बड़ा क्रोध आया, बोले हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन की और देवताओं ने धोखे से अमृत ले लिया, अभी फिर हम लोग ने देवता को साथ में युद्ध करेंगे। इतने में गुरुदेव ने कहा देख रखो एक यज्ञ करो जिसका नाम है, जिस यज्ञ को तुम करने से तुमको कोई परास्त नहीं कर सकते ना, तुमको कोई परास्त नहीं कर सकते, यज्ञ करो। तब उन्हें यज्ञ किया, यज्ञ करके की यज्ञ से एक रथ निकला अस्त्र शस्त्र को साथ में, अगर वो रथ में कोई गाड़ी करके यज्ञ युद्ध करेगा ना उनको कोई भी परास्त नहीं कर सकते हैं। और उन्हें खूब अपना गुरु जी की ब्राह्मण की उन्हें खूब सेवा की, और ब्राह्मण का हृदय में ठाकुर का निवास है, अभी इतने ब्राह्मण से आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दे करके और श्री प्रहलाद ने भगवान नरसिंह देव का प्रसाद की माला उन्होंने बलि महाराज की गला में पहुंच पहनाया, फिर उन्होंने स्वर्ग राज्य के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण किया जब शंख बजाए इंद्र ने कोई बुझे है दैत्यों को ताकत कैसे मिली, बोले देखो अरे इस बार अगर तुम युद्ध करोगे ना सब मर जाओगे, क्योंकि उन्होंने यज्ञ करके और उन्हें शक्ति प्राप्त करके ब्राह्मणों की आए तुम्हारी भलाई, इसी ने स्वर्ग राज्य छोड़कर भाग गया, स्वर्ग मत रहो, उन्हें स्वर्ग राज्य छोड़कर भागे। और श्री बलि महाराज सीधा बैठ गए इंद्र के राज्य पर। अभी देवता को मारे मारे भटक रहे, और देवता की जो माँ अति थी उसने कश्यप ऋषि से बोले, बोले मेरे बच्चे सब चलकर भटक रहे हैं, मेरे बच्चों को इस स्वर्ग को कैसे मिलेगा, बोले एक काम करो तुम्हें पैर व्रत करो बाहर निकाल है, केवल दूध पी करके भगवान विष्णु का आराधना करो, भगवान विष्णु तुम्हारे बेटे बन करके बामन देव बन करके आएंगे, बामन देव फिर स्वर्ग राज्य को वापस देंगे। जब उन्हें पैर व्रत की भगवान स्वयं श्री बामन देव इनके घर में जन्म हुए, श्री बामन भगवान की जोर से बोलो, श्री बामन भगवान की। जब श्री भगवान बामन देव वहां पर प्रकट हुए, क्या तेज क्या उनकी सुंदरता, इतने में श्री मियां है ब्राह्मण का बेटा है, सबसे पहले उनकी जनेऊ संस्कार होनी चाहिए, इसलिए बृहस्पति ने उनका जनेऊ संस्कार करवाया। जब जनेऊ संस्कार की तरह तरह देवता देवियों ने कोई उनको पादुका कोई छत्री कोई चादर सबके सब उनको प्रदान किए। मियां है जब ये उपनयन संस्कार हो गुरु जी को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, बोले गुरु जी क्या दक्षिणा चाहते हो, देखो ये भृगुवंश नाम को स्थान पर नर्मदा नदी किनारा में श्री बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तो वहीं पर जाओ स्वर्ग राज्य को तुम मांग करके लाओ। जब उन्होंने वहां पर पहुंचे इनके रूप देख करके बलि महाराज पर खड़े हो गए, बोले कोई देवती को ना आए कोई अग्नि ना ये चंद्र ना स्वयं सूर्य देवता प्रकट हो गए, इतने सुंदर देखने में
ठाकुर जी बड़े सुंदर थे, तो उन्होंने भगवान की चरण धोए चरणाम किया, आप बताओ आपको क्या चाहिए, आज मैंने आपको इतने दान दिया, आपको कहीं भी आपको हाथ पसारने का जरूरत नहीं। बोल दिया तेरे चेहरे तो लूटे जा रहा है, तू यहाँ पर सुहास में लगे हुए हो। भागते भागते आए बोले बली सावधान, जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले पहले और तुमको अमृत से वंचित कर दिया, वही मोहिनी अब ये मोहन बन कर आया। खबरदार ये तीन पग जमीन मांग रहा है ना, ये त्रिभुवन का ले जाएगा, तेरे पास में कुछ भी रह नहीं जाएगा हैं? क्योंकि शुक्राचार्य मेरे जैसे कोई दानी हो सकता है? कोई मेरे जैसे दानी नहीं होगा, इसलिए आज तुम्हें जरूर दान दूंगा। बोले मैं तेरे गुरु हूँ, मैं तेरे गुरु हूँ, मैं बोलता हूँ देना नहीं, तू करके दोगे, गुरु जी की बात माननी चाहिए। बोले आज गुरु जी की बात हम नहीं सुनेंगे, क्यों? ठाकुर जी आए हैं। बोले जा मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, तो स्त्री भ्रष्ट हो जा। क्या हो जाओ? स्त्री भ्रष्ट हो जाओ, अभिशाप दे दिए। बोले देखो ध्यान देकर सुनो, नियम है गुरु जी को त्याग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कई मानव ने क्या अपने गुरु जी को त्याग दिया। अखंड मंडलाकार व्याप्त जेन चराचरम तत्पद दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरु। गुरु का काम है भगवान जो विश्व ब्रह्मांड में कर्ण कर्णे जो भगवान विद्यमान है उनके चरण को जो दर्शन कराते वही गुरु है। लेकिन यहाँ पर गुरु जी क्या कर रहे हैं? भगवान स्वयं मांगने के लिए आए, भगवान की मत किया। बोले भैया इसे कोई गुरु होता है? गुरु का काम होता है ठाकुर का चरण को दर्शन कराए, यहाँ पर गुरु कहते हैं ठाकुर को मत दो। बोले भैया जो गुरुदेव ने भगवान से विमुख करा देते हैं, ऐसे गुरु जी को त्याग देने से कोई अपराध तुम्हारी नहीं लगेगी, इसलिए उन्होंने गुरु जी को त्याग दे दिया। और जब संकल्प करने जा रहे थे फिर सूर्याचार्य क्या किया, वो कमंडल होता है ना गंगा सागर, फिर उसने शेयर प्रवेश किया। बली महाराज सोचा शायद कोई काली जम दिया, एक कुछ ला कर छेद किया तो शुक्राचार्य का एक हाथ ही है। मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति ठाकुर को सेवा में मना करता है, ठाकुर को सेवा में कोई करता नहीं, कभी मना नहीं करनी चाहिए, बल्कि हो सके तो जितना दूर मदद करे, कभी उसको मना नहीं करनी चाहिए। कहीं अगर जैसे भागवत कथा हो रही है, कोई अच्छे काम हो रहे हैं, हैं? वहां पर मना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मना करके तो फिर तनाव बढ़ जाएगा, आग से जाओ। इसलिए उन्होंने मना किया ना, ठाकुर को मत दिया करो, इसलिए आग की गई। इसलिए क्या करो, अरे कोई अच्छे काम हो रहे हैं, अगर हम इसकी भलाई नहीं कर सकते हैं भैया, इसका बुराई तो मत करो, इसकी बुराई तो मत क्या करो, अगर इसके अच्छे नहीं कर सकते हो तो बुराई मत किया करो, उसका अनुगत मत करो। लेकिन उल्टा पुल्टा चीज न देखना, कहीं उल्टा पुल्टा गर्दी किस पर ध्यान से हो, कितने पैसा चली जाती है, कितने पैसा आप व्यय कर देते हैं, भगवान की सेवा में तो बड़े भाग्य से लगता है, इसलिए उसकी एक आग ही खत्म हो गई भाग्य कुमार से। फिर बली महाराज ने संकल्प किया, ठाकुर जी एक पल से भूर भूव मोहन सत्य लोग को पहुंच गया, ब्रह्मा जी अभिषेक करते हुए पानी को कमंडल में रखा, वही स्त्री हो गई पति की बात श्री गंगा। श्री गंगा देवी की दूसरे चरण को बढ़ाया तो अस्तर बीकर तलाक और पाथा का लोग चला गया। कभी बताओ किसे चरण आपने क्या दिया? उत्तर दिया दुनिया ठाकुर का, ठाकुर दुनिया को लेके आपने क्या दिया? जब तक तुम खुद को खुद नहीं देते हो, देना थोड़ी होता है, बोलो ना, अपना सर पर रखो। वही महाराज इतने खुश हो गए, देखो पत्नी दो तरह की, कितने तरह की? एक तो धर्म पत्नी और एक धर्म पत्नी, एक धर्म पत्नी एक धर्म पत्नी, मतलब क्या धर्म पत्नी? मतलब क्या, जब तक पति को पास में पैसा रहेगा तब तक रहेंगे, अगर थोड़ी सी इधर उधर आ जाएंगे,
ये हो गया धर्म कल्पनी। मतलब धर्म कल्पनी किसको कहते हैं? नहीं, कति विशुद्ध में सुखी, कति दुख में दुखी, उनके कंधे में कंधे मिलाकर चलेंगे, दुख में भी रहेंगे और सुख में भी रहेंगे। इसलिए हर समय में उनका बड़े उन्हें प्रसन्न हो गए। तेरी देश में पत्नी का आकरण मेरे जीवन धन्य हो गया। अभी तो मैं सोच में पड़ गया था, अभी ठाकुर को क्या दूं। इतने में बोले प्रभु ये बताओ, दान बड़ा ना दानी बड़ा? बोले दानी बड़ा। बोले दान कर दिया आपने, दानी स्वयं बाकी। बोले कहाँ चरण का केवल में सर पर रखो। भगवान ने अपना चरण को हमें बलि महाराज का सर कर रखे। जब सर कर रखे और जिन चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद तरस रहे हैं, आज वो चरण कहाँ पर है? बलि महाराज का सर को कर रहे हैं, उनके सर को करने चल रहे हैं। जितने देवता लोग स्वर्ग से उसको की उछाल की, श्री बलि महाराज की, श्री नारायण भगवान की, भगवान प्रसन्न हो गए। उनको सुतल लोग ने स्थान दिया, स्वर्ग लोग से दिया था, ऐश्वर्य के सुतल लोग ने स्थान किया। बोले इसको बाद में तुमको ठहरते ही इंद्रवर की प्राप्ति होगी। बोले वरना तो बोले प्रभु तेरे को एक ही बात। बोले क्या करे? बोले मैं मेरे घर में चार दरवाजा, मैं जब घर से बाहर निकलू और जब घर में आऊ आपका दर्शन करो, कितना अच्छी बात है। भगवान तथा को बोल दिए। मतलब क्या है? भगवान उसके प्रेम में इतने प्रसन्न हो गए ना, ठाकुर जी उसके घर में दरबार बन गए। क्या बन गए? भगवान दरबार बन गए। एक दिन नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ। तब उन्होंने पूछे लक्ष्मी को, बोले ठाकुर जी कहाँ? बोले पता नहीं कहाँ गए, अभी तक तो आए नहीं। बोले ठाकुर जी ना विदेश में नौकरी कर लिया। बोले नौकरी? बोले कहाँ पर? बोले बलि महाराज का दरबार कर उन्होंने दरबार बन गए। अरे भैया भागते भागते लक्ष्मी आई, देखा तो भगवान खड़ी लेके जाते रहो जाते रहो। लक्ष्मी बोली प्रभु यही का सर लग गया था। हाँ दरबार बनने के लिए, हाँ दरबार बन गए। बोले लक्ष्मी बात मत करो, मैं अभी अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, बात मत करो। बलि महाराज रोज दान देते, लक्ष्मी माँ स्वयं लाइन में खड़ी हो गई। जब लक्ष्मी की नंबर आई, बलि बोले क्या बलि मांगो क्या? ऐसे नहीं मारूंगी, पहले संकल्प करो। बलि महाराज डर गए कि वो पहले एक संकल्प कराने वाला आया था, ये दूसरी कौन से संकल्प कराने वाली? बोले भैया संकल्प क्या जरूरत, बताओ ना क्या चाहते हो? बोले बगैर संकल्प मैं नहीं मांगती हूँ। तब उन्होंने संकल्प की, बोले बताओ क्या चाहिए? देखो मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में कोई दरबार नहीं। मैंने देखा है आपके घर में जो दरबार बैठा है बहुत अच्छा दरबार, ये दरबार से रोक लो। बल्कि समझ के दाल में खाला है। पर पहले बताओ तुम कौन हो? जो बोले ना माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो, माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हो। बलि महाराज ने बोले मैं तो ठाकुर को देख नहीं सकता। बोले ठाकुर जी आप एक रूप में यहाँ रहो और दूसरे रूप में जाओ। देखो बलि महाराज का प्रेम में ठाकुर कितने प्रसन्न हुए, भगवान ने भक्तों को प्रेम में कितने प्रसन्न हुए। आप बताओ दान किसको दे रहे हैं? माँ लक्ष्मी को। देखना माँ लक्ष्मी ऐसे करके बैठती है ना, सारा दुनिया लक्ष्मी को प्रार्थना करती। बताओ किसको लक्ष्मी चाहिए? सब लक्ष्मी चाहिए, बगैर लक्ष्मी की कुछ भी नहीं, दुनिया लक्ष्मी चाहती है। इसलिए माँ लक्ष्मी ऐसे करके बैठती है। आज लक्ष्मी को दान दे रहे हैं और बलि महाराज क्या दान दे रहे हैं? छोटे छोटे दान नहीं, साक्षात ठाकुर जी के हाथ को लेकर के उन्होंने माँ लक्ष्मी की हाथों में दान दे रहे हैं, भगवान को उन्हें दान दे रहे हैं। मतलब बलि महाराज के जैसे इतना बड़ा भक्त चरित्र में कौन हो सकता है। इसलिए बलि महाराज कहता भाई हरि कृष्ण जन्म लेंगे बावन धरवन आ जाओ। कहाँ पे बावन धरवन? छतरी है, छतरी है। देखो आज ठाकुर जी आपको पास में भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे। ठाकुर को भिक्षा देगा बड़ा पुण्य है। जैसे सुदामा ने दो कोटी चीरवा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन में आ गए। इसलिए ठाकुर जी स्वयं आपके पास में भिक्षा लेने आएंगे। आप थोड़ा थोड़ा ठाकुर को भिक्षा या सबसे भिक्षा ले सुदामा तेरे द्वारे मना भगी बाबा।
राकेश बच्चे ने 500 रुपया दिया है।
अर्जुन भाटी शिवानी भाटी डॉक्टर गौतम भाटी ने 1000 रुपया दिया, इनके रुपया दिया और हमने भाटी सावली से इन्होंने 200 रुपया दिया है और नपुर शर्मा जी के साथ नपुर शर्मा और क्या दान दिया है आज के आनंद की जय जय श्री राम। जब जब ध्यान सुना दो पत्नी राज्य की पत्नी बनी पति प्रधान पति की बड़ी सेवा करती है। Thank you.
करते हैं नारद जी को बड़े सुंदर भोजन बना करके नारद जी को भोजन कराया, लेकिन नारद जी ने क्या देखा, उसकी गले में तुलसी की कंठी नहीं। बाबू जी सामने बैठा, इसलिए गले में तुलसी की कंठी नहीं और ललाट में तिलक नहीं। मतलब क्या है, इन्होंने कृष्णा मंत्र में भिक्षा नहीं दिए। तब नारद जी ने देखते देखते उन्होंने उल्टी कर दिए, बोले जिसकी भिक्षा मंत्र नहीं दिए, ठाकुर की नाम नहीं दिए, उनको हाथ का भोजन करना ये सबके सुहाना नष्ट हो गया, सारे धर्म कर्म नष्ट हो गए, सारे नष्ट हो गया हमारे धर्म कर्म। इतने उसने दुखी हो गए, बोले दुखी मुझे क्या करनी चाहिए, बोले देख बैठी तुमको कृष्ण मंत्र में भिक्षा लेना पड़ेगा, इसलिए गुरु जी ने उसको गले में तुलसी की कट्ठी पहना है। क्या पहना है, अरे जोर से बोलो, गले में तुलसी की कट्ठी पहना है और उनको तिलक लगा है। ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात है। इतने में बोले गुरुदेव कुछ ऊपर से बोले, देख बेटी जो कृष्ण मंत्र में भिक्षा नहीं दिए हैं उनसे थोड़ी दूर रहा करो, और जब जरूरत पड़े मेरे को बुलाना नहीं आ जाऊंगा, याद करके प्रकट हो जाऊंगा। इतने में गुरु जी चले गए, थोड़ी देर बाद उसको पति आए, लेकिन वो रोज पति की चरणा धोती थी, चरणा खरीद लेती थी, लेकिन गुरु जी ने क्या बोले, जो कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं है उनसे दूर रहा करो। लेकिन जब पति आए ना तो उनकी जो पानी उनने दूर से फेंक करके पानी है गुरु जी अपना पति को चरण में, और पति को बोले देखो पति आज से आप मेरे सामने सो नहीं सकते दूसरे घर में। और जब उनको भोजन दिए ना थाली में, जब भोजन दिए वो भोजन उन्होंने सरका देकर दूर से दिए, तो उन्होंने बोले भैया ये क्या हो गया, बोले देखो पति रे आज हमारे घर में श्री नारद जी आ गए और नारद जी हमें भिक्षा मंत्र दे के गए और नारद जी बोल करके गए, अरे इधर मेरे तरफ तो देखो सब छचल हो गए। बोलो वृंदावन की हरी लाल की जय। माता जी 5 मिनट बढ़ी आप पीछे कृष्ण को लेकर के 5 मिनट बढ़ी जाओ पीछे, 5 मिनट बढ़ी जाओ पीछे माता जी आप पीछे जाओ, आप पीछे है ना, 5 मिनट बाद का है हो गया। बोले गुरु जी मेरे को नारद जी मंत्र देकर गए, नारद जी मंत्र देकर गए और बोले जो कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं है उनसे दूर रहा करो। क्या गुरु जी है, याद करते गुरु जी आ गए, भैया जरूर मुझे ताकत है। बोले गुरुदेव आप मेरे को भी कृपा करके मंत्र कृष्ण मंत्र दीक्षा दो, हमें भी गले में तुलसी की कंठी और हमें भी माला दो, चल जाओ गंगा में नहा कर क्या। जब गए गंगा में नहाने के लिए आप देखना जगत में ऐसे कुछ लोग हैं जो बिगाड़ने वाले, संवारने वाले तो लोग बहुत है, सुधारने वाले गलत रास्ता पर ले जाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन सही मार्गों पर दिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इतने में उसका जो कुछ यार दोस्त देना बोले तू तो थोड़ी देर पहले तुमने नहा करके गए थे, दो बार कैसे आ गए, बोले गुरु जी से दिखना मत लेंगे, इसके पत्नी हमको दूर दूर से पानी फेंक करके देती है, पास में नहीं आती, बोले अभी कितने पक्षे चल रहे हैं, अभी मंत्र देना क्या जरूरत, तुम उस दिन बाद में ले लो। लेकिन उस दिन बाद में दोनों की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने पर उसकी तो ब्राह्मण थी, उसने राजा के घर में है, राजा के घर में उसने राजकुमार घर के लिए जन्म हुए, लेकिन पति ने भिक्षा मंत्र नहीं किया, इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती
जो कृष्ण मंत्र में दीक्षा नहीं लेते हैं अगले जीवन में उनको पशु जन्म का प्राप्ति होती है। उसका जो पति था ना, उसने दूसरे जीवन में हाथी हाथी बन करके जन्म हुए। क्या बन करके जन्म हुए? हाथी बन करके जन्म हुए। लेकिन जब बेटी बड़ी हो गई, जब राजसूय यज्ञ जब उनको स्वयंवर सभा हुई, लेकिन उसने वो हाथी की गले में मार डाल दी। पिताजी ने बोले तुम हाथी की गले में मार डाले? बोले पिताजी ये पूर्व जन्म में मेरे पति थे, लेकिन ये दीक्षा मंत्र नहीं लेने का वजह से इनको ये हाथी जन्म मिला है। बोले अभी क्या होगा? बोले गुरु जी बोले जब जरूरत है तो बुला देना। बोले बुलाओ तुम्हारे गुरु जी को। अरे नारद जी झट रख दो। बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे इसको करके भी कृपा करो। अरे नारद जी हाथी के सर पर रखते ही वो राज सुंदर राजकुमार बन गया, बड़े सुंदर राजकुमार बन गया। खैर उसने उनके साथ में शादी हुई, गुरु से दीक्षा पत्र लेकर घर में भगवान को प्रसन्न करे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अभी भगवान कृष्ण जय करने वाले, भगवान कृष्ण जब श्री कंस के कारागार में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर ठाकुर जी प्रकट हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इतने में देवो की वसुदेव ने भगवान को स्तुति की। बोले प्रभु आपको तो मैंने अपना बालक रूप में प्रार्थना किया था, आप तो यहाँ पर 16 साल के चपले चपले वस्त्र पहन कर प्रकट हुए हो। भगवान ने कहा देखो वसुदेव पूर्व जन्म में तुम सृष्टि और सुंदर आते केवल प्रेम के पत्ते खा खा कर उन्होंने बैठे नीचे बैठो, इसलिए उन्होंने केवल पत्ते पता नहीं किसे बैठना ऐसे भी बैठ गए जा रहे हैं, इसलिए मैंने पत्ते खा खा कर भरने लिए हो। इसलिए मैंने कहा क्या चाहिए तुमको? तुम दोनों ने बोले प्रभु आपकी जैसे हमें के आपकी जैसे एक हमें बेटा चाहिए है। मैंने कहा मेरे जैसे तो कोई बेटा होता नहीं, मैं ही तुम्हारी बेटा बन के आ जाऊंगा, इसलिए अभी मैं छोटा बालक बन गया था। मेरे को लेकर के कहा बिठाना गोकुल में रखाना, वहां से एक बेटी हुई है वो बेटी को आप ले आना। जब इतना बोले बोलते बोले हफ्ते बड़ी पड़ी हुई पहरादार जगह की है हम क्या करें। बोले कोई चिंता मत करो मेरे को अपना सर पर रख लो, सारा रास्ता अपने आप आ जाएगा। जब उन्होंने भगवान को अपना सर पर धरा अपने आप हस्त्र बड़ी खुल गई, पहरादार सो गए और वसुदेव महाराज कृष्ण को स्तूप ऊपर स्तूप ऊपर में ले जा रहे थे, ठाकुर जी को ले जा रहे हैं। रिम बारिश हो रही थी, साक्षात बलदेव प्रभु सती रूप में अनंत देव रूप में ठाकुर को रक्षा कर रहे थे। और ऐसे करते करते जब यमुना नदी को पास यमुना नदी को पास में पहुंचे, अभी यमुना में लबालब पानी भरा हुआ है। अब कैसे ही यमुना नदी को पार गए थे, अभी यमुना में सोच रहे हैं भैया मैं ठाकुर का चरण स्पर्श करूं। इतने में ठाकुर जी ने पीछे से अपना चरण बढ़ाया, यमुना प्रजा ने ठाकुर जी के चरण को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही घर पानी नीचे हो गई, स्वयं जो माया के सिया लग करके आ गई और सामने सामने जा रहे थे और वसुदेव महाराज ने यमुना नदी को पार कर लिए और गोकुल में गए और गोकुल में उन्होंने कृष्ण को रखे और वहां से उन्होंने बेटी को ले आए। बोले श्री कृष्ण के मैया लाल की जय। ले आओ कृष्ण भैया, ले आओ कृष्ण भैया। बोले श्री कृष्ण के